नमस्कार दोस्तों, एचएसएससी सीईटी का जो फॉर्म है उसको भरते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो सभी को क्लियर नहीं है। फॉर्म में भरते समय क्या प्रॉब्लम है और क्या कुछ सवाल जवाब हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। हो सकता है फॉर्म भरने में जो भी आपका इश्यू आ रहा है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक्निकल जानकारी मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ जो भी साइबर कैफे से जुड़ी है, और पूरी वीडियो देखने के बाद कोई भी आपका कमेंट रहता है तो फिर उसके बाद आप कमेंट जरूर करना। कोई आपका सवाल रहता है तो कमेंट कर देना आप, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल है, फार्म भरते हुए जो 5 नंबर हमें मिलते हैं वो शो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, कब मिलेंगे? तो दोस्तों, ये 5 नंबर अभी फॉर्म भरते हुए जो एक्स्ट्रा 5 नंबर मिले हुए हैं वो श्योर नहीं कर रहे हैं, ये आपको फाइनल रिजल्ट जो आएगा उस टाइम मिलेंगे आपको ये, ठीक है। सब इस चीज़ को ध्यान रखें, ये जो 5 नंबर जो मिले हुए थे अभी शो नहीं कर रहे हैं, तो ये लास्ट में आपको मिलेंगे जब आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी मेन्स का आपका एग्जाम होने के बाद। अब जो दूसरी बात है दोस्तों, जिन्होंने पहले क्लेम नहीं किया था, क्या नहीं किया था, प्रोविजनल होने की वजह से उनके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम थी वो उसको ठीक नहीं करवा पाए, या किसी को क्लेम करने पर भी 5 नंबर नहीं मिले हुए थे, किसी घर में सरकारी नौकरी थी और उसने फार्म में कर रखा था कि हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी उसको 5 नंबर नहीं मिले हुए थे। दूसरा, तीसरा ऑप्शन है बिना क्लेम किए हुए जिसको 5 नंबर मिले हुए थे। अब किसी ने जब सेकेंड टाइम, जैसे फरवरी में ये फॉर्म भरे गए थे, फरवरी में, तो वो अपडेट करवाने थे, तो किसी ने वो अपडेट नहीं करवाए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यदि आपने उस टाइम ये सब ऑप्शन ऑप्शन अपडेट नहीं किए थे तो आप इनको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इन सभी को क्लेम कर सकते हैं, यदि आपका प्रोविजनल था तो भी आपका आप प्रॉपर कर सकते हैं। क्लेम करने पर भी आपको 5 नंबर नहीं मिले थे तो भी आप इसको करें, आपने पहले अपडेट नहीं किया था, जो भी आपका सही है वो डालें। यदि आपको 5 नंबर वो चाहिए थे तो आपको यस करना है, डिटेल में यस करनी है, हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं है और इनकम 1,80,000 से कम थी, और बिना क्लेम किए हुए जिसको 5 नंबर मिले हुए थे, जिसके घर में सरकारी नौकरी थी और 5 नंबर मिले हुए थे, अब उसको उसमें भी सुधार कर लेना है। ये प्रॉपर डिटेल है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको। और अगला जो सवाल है, फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन कब तक आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो दोस्तों, इस पर काम चल रहा है, बहुत सारे फॉर्म है, मैं तो ये कहूँगा 50-50 का जो आंकड़ा है फॉर्म का, 50% फॉर्म में जो है गलती हो रही है और पीछे से कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम है, किसी की जो पासिंग डिटेल है उसमें डेट ऑफ बर्थ शो कर रही है, किसी के जो सर्टिफिकेट है वो गलत अपलोड हो गए हैं, या कुछ अपेयरिंग के ऑप्शन थे, जैसे ग्रेजुएशन अपेयरिंग था, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग था, उसको स्टेटस को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और इसको अपडेट करने का ऑप्शन बहुत जल्द आने की उम्मीद है, हो सकता है ये जल्दी ही आ जाए। और फोटो सिग्नेचर शो नहीं हो रहे, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि फार्म भरते हुए फोटो और सिग्नेचर शो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करें? तो दोस्तों, फोटो सिग्नेचर शो नहीं कर रहे वो वेबसाइट का इशू है, HTML का इशू है, लैंग्वेज होती है जिसपे वेबसाइट टाइप होती है, तो वहाँ पर कई बार लोडिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म भरने में लेट हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं, फॉर्म भरने में आपको लेट हो रहा है, इंतजार नहीं कर सकते, तो आप अपना फॉर्म भर दें, नए सिग्नेचर और फोटो आपके अपलोड हो ही रहे हैं, सिग्नेचर आपको वही अपलोड करने हैं जो आपने पहले फॉर्म में अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो 1-2 दिन इंतज़ार करें डेट बढ़ने की, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि डेट बढ़ ही जाएगी, और कई सारे कारण हैं डेट बढ़ने के, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन, 2-4 दिन में आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। ये फोटो सिग्नेचर शो नहीं हो रहे हैं तो वेबसाइट का टेक्निकल इशू है, या तो इसमें इंतज़ार करें, या आपके नए फोटो आप अपलोड करेंगे वो भी दिख जाएंगे, और जो सिग्नेचर है आपके वही अपलोड करें जो आपने पहले फॉर्म में अपलोड किए हुए हैं पुराने वाले में। डॉक्यूमेंट अपलोड में परेशानी है वो वेबसाइट के इशू है, ये भी आपका जल्दी जो है सोल्यूशन होगा। और अपलोड में आपके जो है PDF आपको बना के अपलोड करनी है, PDF आप अपलोड बना कराएंगे तो उसमें क्या है आपकी शो नहीं करेगा, यदि आप JPG फाइल बनाते हैं फोटो टाइप की वो आपकी जब आप अपलोड करेंगे वहां पर आपको शो भी हो जाएगा, लेकिन जब आप PDF बनाते हो वो शो नहीं करता, सिर्फ अटैचमेंट में उस फाइल का नाम शो करता है कौन सी फाइल आप अटैच कर रहे हैं, तो सभी डिटेल बड़े ध्यान से आप अपलोड करें। सिंगल मार्कशीट अपलोड हो गई है किसी की, या उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो उस केस में क्या करें?
ये भी बहुत सारे साथी इसमें परेशान है। तो दोस्तों इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सिंगल मार्कशीट अपलोड कर दिया, जैसे किसी ने कोई मार्कशीट एक अपलोड कर दिया सारे सेमेस्टर वाइज करनी थी, या किसी ने ग्रेजुएशन की करनी थी वहाँ पर 10th की 12th की, या दूसरी मार्कशीट अपलोड कर दिया, तो उस केस में आपको क्या है लिखित में देना पड़ेगा HSSC ऑफिस में जाके। वहाँ पर जो आप लिखित में शिकायत के अप्लीकेशन देंगे तो ही आपकी जो है वहाँ पर सुनवाई करने के लिए बोला गया है कि आप लिखित में एप्लीकेशन दे तो आगे इसकी सुनवाई की जाएगी। जो जिसके भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं, जैसे ग्रेजुएशन की जगह 12th की हो गई है 10th की हो गई है, तो भी उसको तो लिखित में वहाँ पर देना पड़ेगा कि मेरी एजुकेशन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई है अपलोड करते हुए, तो उसके बाद उसमें ऑप्शन मिल सकता है। और दूसरी बात, किसी की जैसे बीटेक का लगा लो, बीटेक के 8 सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर की जो सारी मार्कशीट है उनकी क्लब लास्ट में एक बनती है, वो किसी ने एक अपलोड कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सब कुछ होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वहाँ पर आप अपनी डिग्री वगैरह सब कुछ शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए उसमें। और अगला जो है इनकम से रिलेटेड है, बहुत सारे साथी हैं जिनकी फैमिली आईडी में इनकम की प्रॉब्लम है, तो फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा दिखा रही है, पहले कम थी तो अब क्या करें। इसके अलावा अगर गलत इनकम हो गई है तो क्या करें, और इनकम कब तक की देखी जाएगी, इनकम कब तक की काउंट की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो इनकम है आपकी वो 31 मार्च 2023 तक की देखी जाएगी, सभी की, सभी की जो इनकम है 31 मार्च 2023 की काउंट की जाएगी। तो इसमें जो भी आपकी इनकम है वही मान्य होगी, तो उसके बेस पर आप जो है अपना नो जॉब वाला प्रोफॉर्मा तैयार करवाएं। और इनकम गलत हो गई है तो क्या करें, इनकम अभी आपकी जैसे गलत शो कर रही है तो उस केस में भी आप रिक्वेस्ट करके अपना नो जॉब वाला अपडेट करवाएं, और जो फैमिली आईडी में इनकम गलत है उसकी आप रिक्वेस्ट डलवाएं प्रॉपर। ये तो कई बार ऐसे भी केस देखे हैं, कोई स्टूडेंट है 5-6 साल का बच्चा है, उसकी भी इनकम 5 से 6 लाख डली हुई है, कोई ई रिक्शा चलाने वाला बंदा है उसकी भी 13 से 14 लाख इनकम डली हुई है, या किसी की किसी गरीब का जैसे फैमिली आईडी बनी हुई है उसके मीटर किसी और के उसकी फैमिली आईडी में चढ़ा दिए गए हैं, उसकी वजह से अगर किसी की इनकम गलत हो रखी है तो अपना भाई रिक्वेस्ट करके प्रॉपर, तभी अपना जो है गवर्नमेंट जॉब नो वाला और जो आपका परफॉर्मा है उसमें दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर बात करके इसको आप तैयार करवा सकते हैं। फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा दिखा रखी है, पहले कम थी तो क्या करें, तो वही है रिक्वेस्ट करके आप जो है उसकी तो रिक्वेस्ट डलाए, फैमिली आईडी में रिक्वेस्ट डलवा दे आपकी। सेकंड आपको यही करना पड़ेगा कि गलती से ही ज़्यादातर जो है फैमिली आईडियो में इनकम गलत हो रखी है, तो उसकी वजह से ही काफ़ी इशू है। इनकम तो कम नहीं करवा सकते आप उसमें, उसकी आप रिक्वेस्ट ही डलवा सकते हैं, आगे से वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी जो है प्रॉपर डिटेल उसमें आएगी। लेकिन जो नो जॉब वाला परफॉर्मा है उसको आप आगे अपने नंबरदार एमसी से या पटवारी से तहसीलदार से डिस्कस करके इसके बारे में जो बात करके आप करवा सकते हैं, वही इस चीज़ को जो है समझेंगे इस चीज़ को कि इनकम जो गलत तरीके से एंट्री हो रखी है या आपकी एक्चुअल में है जो भी है वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, साथ के साथ आपको जो है कुछ ना कुछ उसका जवाब देंगे। अब जिनकी उम्र 42 साल से ऊपर हो चुकी है और फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके 2019 में जिन्होंने फार्म भरे थे, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी, ये फार्म भरे थे, तो उस टाइम क्या था उनकी एज थी, अब उनकी एज जो है निकल चुकी है। लास्ट टाइम जब ये फार्म आपके भरे गए थे 2022 में, दोबारा एक बार सीटी का दोबारा जो रीओपन कर रखा था उस टाइम भी उनकी एज नहीं थी, तो इसमें जो है दोबारा से फार्म भरने का ओपन किया गया था, उनकी एज अलग से जो है पोर्टल पर अपडेट की गई थी ताकि उनके फार्म भरे जा सके, अब उनके फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो इस केस में भी जल्दी ही नोटिस आने वाला है, हो सकता है वो जल्दी अपडेट हो जाए, इनके फार्म भरने के भी अभी पेंडिंग है, वेबसाइट पर एरर आ रहा है, तो इसके लिए जल्दी नोटिस दिए जाने की संभावना है। अब आता है आपका नो जॉब का फार्म है, वो सेल्फ अटेस्टेड करना है या तहसीलदार से आपको अटेस्टेड करवाना है। तो दोस्तों ये जो परफॉर्मा है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको तहसीलदार से अटेस्टेड करवाना है, लेकिन ऐसे भी केस हैं भाई जो नहीं करवा सकते, नहीं जा सकते, उन्होंने सेल्फ वाला लगा दिया है, ठीक है, सेल्फ वाला लगा दिया है लेकिन बोला गया है कि आपको तहसीलदार से वेरीफाई करवाना है। बहुत सारे मैं बताऊंगा आपको 60 और 40 का अनुपात है, जो 40% है, 40%
40% ऐसे साथी हैं जो अपना सेल्फ का करवा के ही उसको अपलोड करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन दोबारा से होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम फिर से मांगेंगे, तो हम ये ऐसे ही करेंगे, आप ऐसे ही कर दो, बाकी जो डिटेल है वो बिल्कुल ओरिजिनली डलवाते हैं। लेकिन नो जॉब का परफॉर्मा है, नोटिस में भी दिया गया है, तहसीलदार से वेरीफाई करवाना है, जो करवा सकता है वो तहसीलदार से वेरीफाई करवाए, वो ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल लास्ट में कुछ नहीं कर सकते, आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं, भाई आपके पास समय नहीं है जाने का, तो आप उस केस में जो है सेल्फ वाला तो जरूर लगाए, ठीक है। फार्म को खाली मत छोड़ दे, वहाँ पर कुछ और अपलोड ना करे, सेल्फ वाला सिग्नेचर करके अपलोड जरूर कर दे, भले ही आपको सेल्फ वाला करना पड़े। जब आपके पास टाइम ना हो तो आप उसके अकॉर्डिंग करें, अगर आपके पास टाइम है तो तहसीलदार से वेरीफाई उसको जरूर करवाना है। अब एक ऑप्शन ऐसा है, जैसे जब स्टार्टिंग में फॉर्म भरे गए थे उस टाइम जो फादरलेस थे, उन्होंने वहाँ पर सर्टिफिकेट ना होने की वजह से वहाँ पे उन्होंने उसको नो कर दिया था, लेकिन रियल में उनके फादर की उस टाइम डेथ हो चुकी थी, तो अब वो क्लेम कर सकते या नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, अभी आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम करें, और जो परफॉर्मा दिया गया है वो आपके जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर परफॉर्मा दिया गया है, वहीं से परफॉर्मा निकालना है, तहसीलदार से वेरीफाई करवाना है, फादर का डेथ सर्टिफिकेट और जो परफॉर्मा साइन करवाएंगे वो उसको अपलोड करवाना है, तो आपको ये क्लेम मिल जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में जो है, अगली कोई भी आपकी जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी मेरे बारे में जो जानकारी देखना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पूरी जानकारी दे रखी है, तो वहाँ पर आप मेरी डिटेल दे सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में कोई भी आपके सवाल बचते हैं, कोई भी आपके सवाल रहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है तो आप वीडियो को में जो भी है आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको ठीक लगी या कोई आपको ऑप्शन में कोई लगा है कि आपको उसमें भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों पानीपत में अपना साइबर कैफे, ऑनलाइन के जुड़े सभी काम मेरे पास भी किए जाते हैं, और ये अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आपकी सपोर्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।